एक तरफ तो संगठन मजबूत करने की कवायद, तो दूसरी ओर अब जातियों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश में मुक्त और घुमंतू जातियों का प्रकोष्ठ बनाकर कांग्रेस ने उन्हें न केवल अपने साथ जोड़ा है बल्कि सरकार में हिस्सेदारी जैसी बात कहकर उनका समर्थन हासिल करने का जुगाड़ भी कर लिया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों में जातियों को अपने साथ जोड़ने की ललक दिखाई देने लगी है। कांग्रेस इस दिशा में बीजेपी से आगे निकलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाली कई जातियों को इकट्ठा कर उनकी लड़ाई को आगे लाने की बात कही है, लेकिन इनकी याद कांग्रेस को तब आई जब कार्यकाल खत्म होने में एक साल ही बचा है। अब प्रदेश अध्यक्ष इन्हें निगम और बोर्डों में समायोजित कर सरकार में भी भागीदारी देने की बात कह रहे हैं। अब इनके लोग बेचारे चुन के तो आते नहीं है, तो इसलिए जो भी सरकारी जो समितियां वगैरह हैं, जो विशेष रूप से इन लोगों के कल्याण के लिए जो कमेटियां वगैरह बनी हुई हैं, उनमें तो इनका प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए, तो उनमें प्रतिनिधित्व कराएंगे इनका। घुमंतू प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का मानना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक इस समाज के साथ अन्याय होता आया है, लेकिन राजनीति में उचित जगह देने के आश्वासन से उन्हें भी आस बंधी है। राज्य में सांसी, कंजर, नट, कालबेलिया, गाड़िया, लुहार, बंजारा, नायक, राणा, गिरासी, रायबारी सहित कई घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियां हैं, जिनकी संख्या करीब 80 लाख है। शिक्षा से कोसों दूर होने से ये सरकारी नौकरियों और राजनीतिक रूप से एकदम पिछड़े हैं। इनकी मांगे हैं राज्य में विमुक्त घुमंतू विकास बोर्ड का गठन किया जाए, इनके लिए मुफ्त आवासीय योजना बने, भोपा जाति जिसे किसी भी जाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है उसका श्रेणीकरण किया जाए, सरकार ऋण के कमीशन की सिफारिशें लागू करे और राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा किया जाए। हमारे सामने जो समस्या जो आती है, एक तो रोजगार की और एक हमारा जो पहचान है होनी चाहिए, वो पहचान नहीं हो पा रही। कारण उसका क्योंकि हम एक जगह निवास नहीं करते हैं, इसलिए हमारा एक मुख्य रूप से मतदाता पहचान होने चाहिए और सरकार को एक ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए जो कि विशेष रूप से हमारे समुदायों के लोग उसमें प्रतिनिधित्व करें और उनकी समस्याओं को पटल सरकार के पटल पर रख सकें। डॉक्टर चंद्रभान ने भी जो हमारी जो मांग है विमोद घुमंतु की, वो आगे तक पहुंचाने की उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है विमोद घुमंतु को, तो ये चीज की आशा करते हैं कि होने का ये चीज हमें मिल सके। कांग्रेस ने भी इतने सालों बाद इनकी सुध ली है। ये जातियां हर मायने में काफी पिछड़ी हैं। सबसे पहले तो शिक्षा से लेकर आवास तक इनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का लालच इनकी दशा को सुधार नहीं सकता। मनीष यादव, सहारा न्यूज ब्यूरो, जयपुर।